हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अहमद टेक्निकल सॉल्यूशन। दोस्तों, हमारे पास में रियलमी का C53 मॉडल है और इसकी हम FRP बड़ी इजीली तरीके से बाईपास करेंगे। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन प्रेस करें। तो सबसे पहले हम अपने फ़ोन में वाईफाई को कनेक्ट कर लेंगे। वाईफाई कनेक्ट होने के बाद में आपको जो वाईफाई का ये ऑप्शंस होता है, ये सेटिंग ऑप्शंस जो होता है, इसमें क्लिक करना है और यहाँ से आपको शेयर पे क्लिक करना है। यहाँ पर बारकोड आएगा, यहाँ पर आपको नियर बाय करना है और उसके बाद यहाँ पर टर्न ऑन करना है और नीचे जो ये आपको लिखा हुआ मिलेगा इस पर क्लिक करना है आपको। यहाँ के बाद आपकी एक सेटिंग ओपन होगी। यहाँ आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ शेयर आर्टिकल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इसको शेयर करने हैं और इसके शेयर करने के लिए चलिए पहले स्क्रॉल डाउन करते हैं या मैसेज में जाना है आपको। यहाँ आप न्यू मैसेज पर क्लिक करें और न्यू मैसेज आप किसी भी नंबर पर एनी वे कोई भी नंबर डाल के आप यहाँ सर्च करेंगे। 1-to-1 मैंने किया है और उसके बाद जो मैसेज आया है मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ और यहाँ टाइप करता हूँ www.youtube.com youtube.com। बहुत इजी से तरीके से ये इसकी FRP बाईपास हो जाएगी। तो आप बिल्कुल देखें वीडियो को लास्ट तक, बहुत आसानी से हो जाती है। यहाँ देखिए YouTube आया, उसके बाद में यहाँ पर हमने क्लिक किया और हमारा YouTube ओपन हो जाएगा। YouTube ओपन होने के बाद यहाँ पर आप कोने पर क्लिक करेंगे और यहाँ सेटिंग में जाएंगे और उसके बाद आपको अबाउट में जाना है और उसके बाद तीसरे वाले नंबर पर टर्म कंडीशन सर्विस पर आपको क्लिक करना है। क्रोम आपका होगा ओपन हो जाएगा, नो थैंक्स कर देना है और यहाँ कंटिन्यू या नो थैंक्स कर दें कुछ भी, और यहाँ अलाउ करना है आपको। और उसके बाद आपको ऊपर सर्च बार में सर्च करना है वी एंड रोम। कई वेबसाइट हैं, आप कोई भी वेबसाइट सर्च कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहली वेबसाइट है, मैं इसी पर क्लिक कर देता हूँ वी एंड रोम पर। वी एंड रोम ओपन हो चुकी है और उसके बाद तो मैं आपको सबसे पहले जो है इसका जो सेटिंग में जाकर आपको इसका वर्जन चेक करा देता हूँ कौन सा है। यहाँ गया मैं नीचे स्क्रॉल डाउन के अबाउट फ़ोन में, देखिए रियलमी का C53 है और एंड्रॉयड वर्ज़न इसका 13 है। उसके बाद मैं यहाँ से इसे बैक कर लेता हूँ और यहाँ फिर उसके बाद आपको बहुत आसान तरीके से यहाँ इसमें जो इस लॉक लगाने का ऑप्शन है हमारा, वहाँ पर क्लिक करेंगे। पैटर्न, पिन, पासवर्ड कुछ भी लगा सकते हैं आप। चलिए मैं यहाँ पर एक पैटर्न क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ मैं कंफर्म पे क्लिक करूँगा, यहाँ बैक होगा। देखिए अभी मेरा जो है ये पैटर्न लगा नहीं है, तो मैं इसे फिर दोबारा से कोशिश करता हूँ, ट्राई अगेन करता हूँ और इसके बाद फिर देखते हैं कि हमारा पैटर्न लगता है नहीं। यहाँ पर देखिए एरर आया, तो मैं इसको क्लोज ऐप पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ से फिर इसके बाद ये बैक करना है मुझे, फिर उसके बाद दोबारा से जाना है स्क्रीन स्मार्ट लॉक में। यहाँ फिर से पैटर्न में जाएंगे, फिर से हम पैटर्न जो है क्रिएट करेंगे, उसके बाद कंफर्म करेंगे। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ हैंग सा होता है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद में हम यहाँ से फिर बैक करेंगे, फिर उसके बाद में फिर दोबारा खोलेंगे, फिर उसके बाद में पैटर्न क्रिएट करेंगे। ये आपको कम से कम 5, 6 या 7 बार करना होता है। इसी तरह से आप करेंगे, चेक कर लिया करें कि आपका पैटर्न क्रिएट हुआ है या नहीं। ये मैंने कई बार किया है, उसके बाद अभी भी नहीं हुआ, फिर करता हूँ मैं और ये देखिए अभी भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ यस आई एम इन पर क्लिक करना है, यानी कि अब हमारा पैटर्न क्रिएट हो चुका है। बड़ा ही इजी सी ट्रिक थी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आप इस ट्रिक से रियलमी के जो न्यू मॉडल हैं, रियलमी के जितने भी एंड्रॉयड 13 के वर्ज़न के हैं, आप उनको आसानी से इसी तरह से बाईपास कर सकते हैं। चलिए देखिए मैं देखता हूँ, और मेरा ये पैटर्न तो लग चुका है दोस्तों। अब जो है यहाँ से फिर एक बार हम बैक करेंगे और फिर बैक करते ही चले जाएंगे लास्ट तक। बैक बैक, और जब हम यहाँ पर आगे यहाँ से भी बैक करना है, यहाँ से भी बैक और यहाँ से भी बैक, इसे ओके कर देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं
अब यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेता है चेकिंग फॉर अपडेट्स पर, तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। यश, यहाँ पर आपको डोंट कॉपी पे क्लिक करना है और उसके बाद चेकिंग इन्फॉर्मेशन, थोड़ा सा वेट। अब उसके बाद जो है आपको देखिए यहाँ पर पैटर्न का ऑप्शन आ चुका है। ये पता नहीं कौन सा एरर आया है, पावर ऑफ होने के लिए बोल रहा है। मैं फ़िलहाल अभी इसे कैंसिल कर देता हूँ। फिर इसके बाद पैटर्न मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है और इसने मेरा पैटर्न ले लिया है। अगर पैटर्न नहीं लेता तो फिर नहीं हो पाता, आगे नहीं बढ़ता। यहाँ पर मैं स्किप कर दूँगा जीमेल आईडी, अब मुझे स्किप करनी है और यहाँ इसके बाद आपको यहाँ से पूरी सेटअप को आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके जाएं और एक अच्छी सी कमेंट भी आपको करनी है। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आपको हमारे चैनल पर से कोई हेल्प मिलती हो तो हमें ज़रूर बताएँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, लव यू दोस्तों।